हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एनटेक स्पोर्ट। आज के इस वीडियो में पिछले पार्ट की जो बचा हुआ टूल है उसके कंटिन्यूएशन होने वाला है। तो पिछले पार्ट में हमने सिर्फ चार टूल्स के बारे में ही देखे। साइड पैनल के जो चार टूल है, टेम्पलेट्स, एलिमेंट, अपलोड, टेक्स्ट के बारे में, तो आज उसके आगे के टूल्स के बारे में देखेंगे हम। जो है फोटो, स्टाइल, ऑडियो, वीडियो, बैकग्राउंड, चार्ट्स, फोल्डर्स, इसके बारे में हम आज डिटेल में देखते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और न्यू नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाएं। तो चलिए स्क्रीन पे चलते हैं। तो ये है, फोटो पे क्लिक किया मैंने। फोटो है सबसे पहले वाला टूल। फोटो में भी ये है फोटो। हाँ, फोटो में भी कुछ फोटोज दिए रहते हैं, उसमें भी कुछ कीवर्ड्स ऊपर दिए रहते हैं। अगर नहीं है तो सर्च बटन पे अपन सर्च करके भी फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे फ्लैग करके सर्च किया, तो फ्लैग के रिलेटेड जितने भी फोटोस है वो यहाँ पे दिखाएंगे। इसमें ज़्यादातर पेड़ ही दिखाते हैं। अभी मैं इंडियन फ्लैग करके सर्च करता हूँ, उसमें देखो इंडियन फ्लैग के रिलेटेड जितने भी फोटोस है वो पूरे दिखा रहे हैं। ये देखिए, मैं एक लेके दिखाया, ये फोटो है। ओके, ये देखो मैंने डिलीट कर दिया। इसमें भी पेड और फ्री वाले फोटोस अवेलेबल है। जिसमें पेड है उसमें क्राउन के साइन रहते, जिसमें फ्री है उसमें कुछ नहीं। बहुत सारे हैं। तो नेक्स्ट टूल पर जाते हैं, वो है स्टाइल। ये है स्टाइल। ये स्टाइल्स में ये कलर कॉम्बिनेशन वाले पैलेट्स रहते हैं। तो इसमें 6 पैलेट्स मिलते हैं जो अलग अलग कलर के बदल के यूज़ कर सकते हैं। इसमें स्पेशली तुमको इधर बैकग्राउंड कलर सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो यहाँ पे ही 6 कलर्स अवेलेबल है। देखो, आप देख सकते हैं 6 कलर्स है। तो हर पैलेट्स में अलग अलग कलर्स होते हैं। इसी में से एक जो पसंद आए चूज करके अपने हिसाब से कलर भर सकते हैं। इसके अलावा फॉन्ट सेट्स रहते हैं। तो फॉन्ट सेट्स में भी वैसे ही जैसे मैंने क्लिक किया, ये फॉन्ट सेट्स आ गए। इसके पीछे वो पैलेट्स लेके कलर्स चेंज कर सब देख सकते हो। ये कॉम्बिनेशंस है कलर और फॉन्ट सेट्स की, ये भी यूज़ कर सकते। ये अभी फीचर्स न्यू ऐड हुआ है इसमें कैनवा में, पहले वाले इसमें नहीं था। चलिए देख लेते हैं कॉम्बिनेशंस। कलर रहते हैं और ऊपर से फॉन्ट लेके जिस कलर के साथ वो सूट हो रहा है वो आप यूज़ कर सकते हैं इसी चीज़ के लिए। कुछ ज़्यादा कुछ रहता नहीं है इसमें।
तो चलिए नेक्स्ट इसमें जाते हैं। नेक्स्ट है ऑडियो। तो ऑडियो में देखो बहुत सारे ऑडियो दिया रहता है, इसमें प्रो भी है, कुछ फ्री वाले भी है, बहुत सारे आपको फ्री वाले मिल जाएंगे। इसमें मैं प्ले करके दिखा नहीं सकता, इसमें भी ये देखो ऑडियो प्ले हो जाएगा। हाँ ये देखो ये यूज़ नहीं कर सकते हैं, और जो फ्री वाले यूज़ कर सकते, क्राउन जिसके है वो यूज़ नहीं कर सकते, वो प्रो में ही यूज़ कर सकते हैं। मोड के हिसाब से यहाँ पे सर्च करो तो आपको उसके हिसाब से भी मिल जाएगा। ये तो ऑलरेडी लोगों ने दिया है, जैसे रेन, कंट्री, रिलैक्स वगैरह जो है। चलो इतना ही है ऑडियो में, अभी नेक्स्ट चलते हैं। ये वीडियो, ऑडियो जैसे ही है वीडियो भी, बस इतना है कि ऑडियो में साउंड सुनने नहीं आता है, इसमें थोड़े विजुअल रहता है। और विजुअल बहुत सारे फ्री वाले भी हैं, ये देखो अच्छे अच्छे शॉर्ट वीडियोस हैं, कुछ सेकंड के लिए रहता है, 15-10 मेरे हिसाब से 30 सेकंड तक के लोग प्रोवाइड करते हैं। देखो मैं ये वाला लेट, तो ये जो है प्रो है, इसमें क्लिक करके हम वाटरमार्क रहता है, इसमें शो तो कर लेते हैं लोग, पर वाटरमार्क की वजह से डाउनलोड नहीं कर सकते। ये देखो ये दिख रहा है, तो प्रो खरीदा तो ये वाटरमार्क कट जाता है, आप लोग यूज कर सकते विदाउट एनी। ये देखो ये वाटरमार्क लगा है कैनवा पे, डिलीट कर देते हैं। नेक्स्ट इस पे जाते हैं। ये बैकग्राउंड है, तो ये बैकग्राउंड में हम ले सकते हैं ये जो दिया हुआ है, जितने भी है बहुत सारे फ्री बैकग्राउंड्स दिए हैं, और ये जिस डिज़ाइन में काम आते हैं अच्छे अच्छे डिज़ाइन करने के लिए, देखो ऐसे पेपर जैसे लग रहा है ना। ये वाला प्रो, ये वाला जो है कैनवा का जो लगा हुआ है ये वाटरमार्क वाला है, ये प्रो में ही आता है। ये प्रो खरीदा तो वो हट जाएगा वाटरमार्क, तो फिर नीचे छोड़ते हैं। और ये देखो ये भी अच्छा लग रहा है। नेक्स्ट इसमें जाते हैं चार्ट्स। तो चार्ट के बारे में मैंने पिछले वीडियो में बताया था, हम डिटेल में देखेंगे, तो चार्ट्स के बारे में हम एक अलग वीडियो बनाएंगे, तो इसलिए अब नेक्स्ट इस पे जाते हैं फोल्डर्स। नेक्स्ट इसमें हम इसके डिटेल्स में देखेंगे, तो अभी फोल्डर बचेंगे। फोल्डर क्या रहता है, यहाँ पे सेव करने के लिए रहता है, जैसे हम डेस्कटॉप में सेव करते हैं फोल्डर बना के, वैसे ही हमारे डाटा जो डिज़ाइनिंग किया हुआ डाटा है वो हम अपने एक पर्टिकुलर फोल्डर बना के उसमें सेव कर सकते हैं। देखिए किस टाइप का फोल्डर बना के सेव कर सकते हैं। क्रिएट न्यू पर क्लिक करना, यहाँ पे एक नाम डालना अपने हिसाब से, जो भी नाम आपको देना है, जैसे कि मैं डाल रहा हूँ एंड एक्सपोर्ट। क्रिएट बटन पर क्लिक करना है सिंपली, और सिलेक्ट फाइल पर क्लिक करके देखते हैं। ये देखिए यहाँ पे ये एंड एक्सपोर्ट आया, यहाँ पे सेव करना है, तो यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं अपने फोल्डर, ये फोल्डर सिलेक्ट
लेना है, फिर नीचे आना है, सेव बटन पे क्लिक करना है, बस कुछ नहीं, सिंपल है। और फिर ये देखना है कहाँ पर है, तो फॉर्म पे वापस चले जाइए और फिर प्रोजेक्ट्स पे जाना है, ऑल पे क्लिक करना है, रिफ्रेश करके पहले देखना क्योंकि वो रिफ्रेश नहीं किया था मैंने, तो रिफ्रेश करिए तो आपको दिख जाऊँगा इधर, ये देखो ऐड हेड रिसेंट वाला, और नीचे में एंट एक्सपोर्ट का फोल्डर बना है उसके अंदर आपको मिल जाएगा, ये देखिए आप सेव है। टच पर काम होता है, फोन पे वापस आएंगे देखिए। तो अभी पूरे हमने कवर कर चुके हैं पूरे, तो इसमें कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, इसके बारे में हम पूरे डिटेल में अभी एक एक करके देखेंगे, टेम्पलेट यूज़ कैसे करेंगे, एलिमेंट्स के ऊपर अलग वीडियो बनाएंगे हम, आप सभी चीज़ ऑडियो कैसे डालेंगे, वीडियो कैसे बनाएंगे, सब एक एक वीडियो में मैं डिटेल में बताऊंगा आगे के वीडियोस में। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मैं ये एक टेम्पलेट लेके आपको डिटेल में इसमें एलिमेंट्स कैसे यूज़ करते हैं, ग्रेडियंट्स कैसे यूज़ करते हैं, फिर इसी टाइप का बना के एक डुप्लीकेट बना के आपको दिखाऊंगा कि ये कैसे बनाते हैं इसको, इसी इमेज का डिज़ाइनिंग कैसे करेंगे। ओके, तो आज के लिए इतना ही, आता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो लेके, एक न्यू सी पार्ट लेकर। टिल देन बाय बाय एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।